कोरोना काल में शहर के सभी बैंड बाजे वाले शादी ब्याह में रौनक जगाने वाले घुड़सवार और लाइटिंग और बग्गी वालों का व्यवसाय ठप हो चुका है, जिस वजह से इस समय भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन परिस्थिति में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, जिस वजह से उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि उन्हें जल्द से जल्द उनका व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाए। साथ ही हेमंत गडकरी द्वारा राज साहब ठाकरे से न्याय की मांग की गई है। सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा अब शादी और अन्य कार्यक्रम के लिए 100 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है, लेकिन देखा जाए तो बैंड बाजे वाले घोड़े, लाइटिंग और बग्गी वालों के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जिसका परिणाम यह है कि ये लोग अब ठप व्यवसाय के कारण कई परेशानी और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसी स्थिति में पिछले कई महीनों से विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष आवेदन और मांग करने के बाद भी उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में आखिरी उम्मीद लेकर सभी संबंधित संगठनों ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे के नाम का निवेदन पत्र महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के राज्य महासचिव हेमंत गडकरी को सौंप दिया। नागपुर में स्थानीय जगदम्बा समारोह में लगभग 400 से 500 कलाकार और ड्राइवर वहां मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सभी संगठनों ने मनसे के सामने अपनी मांगे और शिकायतें रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज साहेब से ही हम न्याय की उम्मीद करते हैं। मनसे के राज्य सचिव हेमंत गडकरी ने सभी संगठनों के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि दिवाली के बाद के सभी कार्यक्रम के ऑर्डर लेना अभी से शुरू कर दे। वह तुरंत सभी संगठनों द्वारा दिए गए बयान को पार्टी अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे को भेजेंगे और उनसे फोन पर चर्चा करेंगे। सरकार से इस मामले को अदालत में ले जाने का अनुरोध भी वो करेंगे। इस कार्यक्रम में नागपुर शहर के अध्यक्ष विशाल बागड़े, शहर सचिव घनश्याम निखाड़े, पूर्व नागपुर अध्यक्ष उमेश उत्खेड़े और अन्य लोग और साथ ही अलग अलग संगठनों के लोग और बग्गी चालक भी मौजूद थे।